रणविजय दरअसल ये रणविजय रणविजय तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बच्ची को बेहोश करके भगा कर लेकर जा रही थी। अरे क्या कर रहे हो रणविजय, बौखला गए हो का? अरे ये लड़की ने तो की बच्ची की जान बचाई है। बारिश में भीग गई थी वैष्णवी, न्यूमोनिया हो गया था। अगर ये आज इसे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं वैष्णवी का क्या होता। आपको क्या लगा मैं वैष्णवी को उठाकर ले जाऊंगी अपने साथ? बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। क्यों रणविजय? शायद आपको नहीं पता, आपकी बेटी ने एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीती थी। उसी की ट्रॉफी वो आपको दिखाने आई थी लेकिन आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जहां आप दारू पी रहे थे ना वो वहां पर भी गई। उसे पता था कि उसका बाप वहां दारू पी रहा होगा, वो वहां पर भी गई लेकिन वहां बारिश में भीग भीग कर आपका इंतजार करके वो बीमार पड़ गई। शायद लोग तरसते हैं कि उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हो, उनमें वो हुनर हो। आपकी बच्ची में है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसा प्यार है आपका? इसके पास एक पिता है लेकिन उसे वो पिता का प्यार कभी दे ही नहीं पाए। वो अनाथ बच्ची जैसी है। देखो रणविजय, मुझे पता है कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, आप उस सदमे में हैं, आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी बच्ची की तरफ। वो आपका प्यार चाहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। इस तरह आप उसे इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा। आप आज नहीं तो कल उसे हमेशा के लिए खो देंगे। बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या आप कभी अपने आप को माफ कर पाते? नहीं कर पाते रणविजय, कभी माफ नहीं कर पाते। इसीलिए उसे वो प्यार दो, उसे कम से कम एहसास दिलाओ कि आप उसके पिता हो, आप उसे प्यार करते हो। छोटी माँ के पास जाना है। वैष्णवी,